Eight, 40. चालीस नंबर श्लोक है, 1.15.40, पहला स्कंद, पंद्रवा अध्याय, श्लोक नंबर 40। विसृज्य तत्र तत्सर्वम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहंकारः सच्छिनाशेषबंधन विसृज्य तत्र तत्सर्वम् दुकुलवलयादिकम् निर्ममो निरहंकारः सच्छिनाशेषबंधनः जी। वर्ड टू वर्ड, विसृज्य त्याग कर, तत्र वे सब, तत् यह, सर्वम सब कुछ, दुकूला पेटी, वलयादिकम कंगन आदि, निर्ममा उदास, निरअहंकार अनासक्त, सच्छिन्न पूर्ण रूप से कटा हुआ, अशेष बंधन असीम लगाव। अनुवाद एवं तात्पर्य शील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी, राजसी आभूषण सब तुरंत त्याग कर दिए और प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन और विरक्त हो गए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री भगवान का पार्षद बनने के लिए ये आवश्यक है कि हम भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाएं। ऐसी शुद्धि के बिना न तो कोई भगवान का पार्षद बन सकता है, न ही वापस भगवत धाम जा सकता है। क्या जरूरी है? कलमश से मुक्त हो जाना। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के हेतु महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा वस्त्रों को त्याग के राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का काषाय या केसरिया कौपीन बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल गई है, अतएव उन्हें अपनी वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य और परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। कौन, किसके बारे में बोला गया? युधिष्ठिर महाराज। मनुष्य सामान्यतः विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधि से जुड़ा होता है तब तक वो भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की द्वितीय उपाधि है। भगवत धाम जाने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का त्याग कर दिया जाए। कौन सी उपाधि? ये भौतिक उपाधियों को त्याग कर दिया जाए।
वे मनुष्य अल्पज्ञ हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्हें राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर संसार में जाने के हेतु तैयारी की, फिर भी मनुष्य उन्हें आज तक स्मरण करते हैं, क्योंकि एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान राम के समान स्तर पर थे। क्योंकि संसार के ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, इसलिए सभी प्रकार के सुख सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय उनको बोले ऑडियो आ रहा है इसमें से बने दो ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। सब एकत्रित वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब वैष्णव के सामने जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। वैसे ही हमारे जगदीश श्याम प्रभु इतने एग्जॉल्टेड वैष्णव, इतनी अच्छी साधना। हालांकि यहाँ भक्तों की संख्या कम है, फिर भी प्रभु दृढ़ निश्चय है कि मॉर्निंग प्रोग्राम रोज़ स्वयं आरती करना, पर्सनली ड्यूटीज को आरती ऑफर करना, फिर चाहे कम ड्यूटीज हों या ज़्यादा हों जब बैठ के करना, बहुत इंस्पिरेशन मिला। फिर क्लास बड़े ग्रुप में आसान हो जाता है, छोटे में चैलेंज होता है, लेकिन छोटे ग्रुप में फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि भगवान देखते हैं जब हम संघर्ष कर रहे हैं, कठिनाइयाँ ले रहे हैं उनके प्रचार के लिए, तो भगवान की कृपा हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं, तोमार सेवाते बोलिए तोमार सेवाते जेते दुख सही तो परम सुख। मतलब हे गोपीनाथ हे कृष्ण, आपकी सेवा में जो दुख हैं असुविधाएं हैं कठिनाई हैं वो मेरे लिए परम सुख के कारण। एक डिवोटी वो है जो हर स्थिति में भगवान को याद करते हैं और भगवान के आदेश को पालन करने को तैयार होते हैं, चाहे उसमें पर्सनली सुख हो या दुख हो। कौन सा एक एग्जाम्पल है एक भक्त के जीवन का जो बहुत दृढ़ निश्चयी थे और भगवान के कार्य के लिए दूर पैदल चल के गए। हाँ माधवेंद्र, मैं एक लाइन दूर जाने वाला बताने वाला नहीं था क्योंकि उससे इजी हो गया। कभी क्वेश्चन आंसर होता है तो टीचर को इच्छा होती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाए,
तो अहंकार बढ़ जाता। लेकिन जगदीश प्रभु के आंसर ने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया। माधवेंद्र पुरी का एग्जाम्पल है। माधवेंद्र पुरी को भगवान ने कहा, एक्चुअली माधवेंद्र पुरी इतने नम्र थे, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्योंकि उनका आविर्भाव दिवस आ रहा है 5 तारीख को। अभी आने वाला हफ्ता बहुत उत्सवों से भरा हुआ है। सोमवार को एकादशी है, उसके बाद फिर गुरुवार को भगवान नरसिंह देव का अपीयरेंस डे है, चतुर्दशी, और फिर 5 तारीख को शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा है। या कल मैं गया था बोधगया में, तो जिस दिन वो पेड़ के नीचे बुद्ध देव ने ध्यान लगाया और जिस दिन उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं वही दिन उनके अपीयरेंस का भी था, डिसअपीयरेंस का भी। और वही दिन है हमारे लिए भगवान राधा रमन प्रकट हुए, उसकी भी कहानी थोड़ा सा बताऊँगा मैं। राधा रमन वृंदावन में, आप में से किसी ने देखा है राधा रमन मंदिर? बहुत सुंदर है, दो हाथ ऊपर मतलब दो बार देखा आपने। डिवोटी देव ये वहीं से है ना, जहाँ क्या नाम है जगह, जहानाबाद से है ना, जहानाबाद बाद ऐसे ऐसे मुस्लिम प्लेसेस के नाम रखा था ना, निजामाबाद है ना, वो गया उसके बाद हो गया औरंगाबाद है ना, हैदराबाद, लेकिन आपके जाने से वो गौरंगाबाद हो गया, इसका नाम बदल दिया। हमारे यूपी में योगी जी ने बहुत सारे नाम बदल दिए, है ना, मुगल सराय था उसको दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, फिर इलाहाबाद से प्रयाग कर दिया, था ओरिजिनल नाम वही थे, स्पिरिचुअल नाम, स्पिरिचुअल। आप सब इतने सिंसियर डिवोटीज, अगर जगदीश श्याम प्रभु जी को हेल्प करेंगे वहाँ प्रचार करने में, शीघ्र ही वहाँ भी अच्छा प्रचार होगा, है ना, और गया से भी ज़्यादा बड़ा सेंटर वहाँ ही बन जाएगा। ये भगवान जगन्नाथ यहाँ से वहाँ भाग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंजेशन हो गया ना, 3-3 डीटीज हैं, तो आपस में झगड़ा होता होगा कौन खाएगा प्रसाद, एक ही प्लेट जाता है, आपको मन 2 प्लेट होता है, फिर ठीक है फिर समझौता कर लेते होंगे, है ना। एक कहानी है कि एक बार जब जगन्नाथ जी का मंदिर जब पुरी में है, तो वहाँ पर पहले एक बार साक्षी गोपाल के लिए भी वहीं पर ऑफरिंग होता था। साक्षी गोपाल की कहानी मालूम है ना आपको? साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन में मूर्ति थे, और दो ब्राह्मण का जब थोड़ा कुछ किसी कारणवश मतभेद होता है, तो भगवान साक्षी देने आते हैं साउथ इंडिया तक। साक्षी गोपाल मतलब मूर्ति हैं, वृंदावन से चलकर दक्षिण भारत तक आते हैं, और फिर बाद में दक्षिण भारत के राज्य में रहते हैं, और फिर उड़ीसा के राजा लड़ाई करके भगवान साक्षी गोपाल को उड़ीसा में ले आते हैं। सोचते हैं रहने के लिए जगह नहीं है मंदिर में, तो जगन्नाथ मंदिर में ही रख देते हैं, नहीं जैसे एक बड़ा 3-बेड हॉल रूम है, तो 4 डिवोटी रह रहे हैं, 5-6 को भी एडजस्ट करा लेंगे। तो साक्षी गोपाल को एडजस्ट करा देते हैं वहीं पर, ऑल्टर पर थोड़ा धक्का देके, जैसे यहाँ पे जगन्नाथ जी का ऑल्टर है, राधा मदन मोहन छुप के आ गए साइड में, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, भोग तो एक ही प्लेट आता था, तो भगवान जगन्नाथ 2-3 दिन तक सहन किए, फिर राजा के सपने में आए, हे राजन हम भूखे हैं, हमको मिल नहीं रहा। बोले क्या नहीं मिल रहा, हम तो ऑफरिंग करें। बोले नहीं, जब से ये नए गेस्ट आए हैं ना, ये मंत्र बोलने के लिए वेट भी नहीं करते। एटिकेट होता है ना, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण ऑफरिंग करेगा, ये भगवान प्लेट आते हुए खा जाते हैं सब कुछ, और जगन्नाथ जी के लिए कुछ बचता ही नहीं, मतलब मैनेजमेंट प्रॉब्लम हायर लेवल तक रहता है। ये ना, कौन से डिवोटी को क्या सुविधा देनी है, इसको सेवा दी उसको नहीं दी, उसको मिला नहीं मिला, उसका लॉकर बड़ा है छोटा है, अटैच बाथरूम मिला है, है ना। यहाँ पे भी कई सारे सबको अलग अलग टाइप के अटैचमेंट्स, मतलब अटैचमेंट बोलो, अटैचमेंट ही है वो, है ना। तो भगवान जगन्नाथ जी सपनों में आके बोले, तो फिर राजा ने फिर राजा को बोले कि इनके लिए अलग व्यवस्था करो, तो फिर जगन्नाथ जी की इच्छा से साक्षी गोपाल के लिए अलग मंदिर बनाया गया, जो 20 किलोमीटर दूर है। ऐसे एक बार जब राधाकांत मंदिर है ना जगन्नाथपुरी में, राधाकांत मंदिर देखा, जो गंभीरा में है, गंभीरा गए, गंभीरा आपने, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए, गंभीरा देखा आपने, गंभीरा आनंद बाज़ार याद है, आनंद बाज़ार, हाँ वो याद है, क्योंकि आनंद बाज़ार तो वहाँ पर आनंद से प्रसाद लेते हैं,
जब मैं पूछता हूँ पूरी में किसी को याद है जगह मंडप क्या है और ऑल्टर क्या है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन आनंद बाजार सबको याद रहता है क्योंकि जगन्नाथपुरी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग वही है। तो राधाकांत के जो विग्रह हैं वो गंभीरा में, गंभीरा वो जगह है, एक्चुअली गंभीरा जो है वो काशी मिश्रा का घर था। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में आए तो उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी जो मंदिर के पास भी हो, थोड़ा सेक्लूडेड भी हो। तो काशी मिश्रा बोला यस मैं अपना घर प्रोवाइड करूँगा। तो वहाँ पर कोई ड्यूटीज थे राधा कृष्ण के, जिनका नाम है राधा राधाकांत। तो वो विग्रह जब पहले भगवान राधाकांत जब साउथ इंडिया के राजा को पराजित करके लेके आए, उड़ीसा के राजा, तो उनको जगन्नाथ मंदिर में रख दिया। तो इतना जगह है, एक्स्ट्रा रूम है, चलो एडजस्ट हो जाएंगे, 3 BHK है। फिर से राजा को सपना आया, जब से नए ड्यूटी आए प्रसाद ही नहीं मिल रहा, इनके लिए अलग व्यवस्था करो। तो इसलिए हमारे इसका हमने कूपन सिस्टम होता है, सबके लिए गिन के प्रसाद बनाया गया। तो मैं कहानी किस लिए बता रहा था कि माधवेंद्रपुरी का एक गुण था कि वो भगवान की सेवा के लिए बहुत कष्ट स्वीकार करते। प्रेमेर प्रगाढ़ स्वभाव ऐ है, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कष्ट को अपने कष्ट की चिंता ही नहीं करते, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए। बीपी लेवल ये बोलने में तो जगदीश प्रभु ने सुंदर बताया कि प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है कि व्यक्ति अपने दुख और अपने कष्ट की परवाह ही नहीं करता। जैसे अभी आप देखिए प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि आप जाओ प्रचार करो, विदेश में जाओ। और प्रभुपाद पहले इंडिया में ट्राई किए, बहुत प्रयाग ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है, आपको बोले प्रभुपाद जी का एक दुकान थी वहाँ पर, मेडिकल दुकान थी, क्या नाम था उसका? प्रयाग फार्मेसी। यस, आपने देखी है दुकान? यस, पूरे जन्म में आप वहीं पर थे, दुकानदार थे आप, उनके प्रभुपाद जी के असिस्टेंट थे। तो प्रयाग फार्मेसी की दुकान थी प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने पहले मीटिंग में आदेश दे दिया, आप एक सुशिक्षित नौजवान हो, आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश विदेश में प्रचार करो। पहली बार प्रणाम कर रहे हैं, जान न पहचान तू मेरा मेहमान, है ना। तो प्रभुपाद को पहले डाउट आया, प्रभुपाद बोले कि हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त करे, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वो गिलास थोड़ा अंदर मैंने अंदर ना थोड़ा नींबू पानी बनाने के लिए वो गिलास ये गिलास लेके उसमें लेके आया। प्रभुपाद जो है गांधी जी के सपोर्टर थे, खादी खादी मूवमेंट होता है ना, खादी पहनना, गांधी जी को सपोर्ट करते थे। तो प्रभुपाद तुरंत बोले नहीं, आप बोल रहे प्रचार करने के लिए, कौन सुनेगा एक गरीब देश का, एक गुलाम देश की बात, पहले हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोले, ये जो राजनीतिक स्थिति है वो बदलती रहेगी, आज कौन सी पार्टी है कल दूसरी पार्टी होगी, एक कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई यादव अखिलेश यादव की पार्टी है सब, या बिहार में नीतीश की पार्टी है, सब अलग चलता रहे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले। जब एक पार्टी जीतती है तो लगता है चलो पहले दोष दूर हो जाएंगे, लेकिन सब एक से बढ़कर एक हैं, बाद में लीलाएं पता चलती हैं। जब तक जो लीडर है वो कृष्ण भक्त नहीं है तब तक सुख नहीं मिल सकता। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको बोला नहीं, प्रभुपाद आर्ग्यू किए थोड़ी देर तक, फिर हार मान लिए। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड, मैं पराजित होने में बहुत आनंदित हुआ। इस मटेरियल वर्ल्ड में पराजित होने में कोई आनंद नहीं लेता, लेकिन प्रभुपाद जी हार क्यों माने, वो जानते थे मेरे गुरुदेव। फिर प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की इंडिया में पहले प्रचार करने की, और जब प्रयाग फार्मेसी में थे
तभी वहाँ से भी प्रभुपाद पुस्तक वितरण करते। आपने देखा होगा कि दिल्ली में प्रभुपाद जी घर प्रभुपाद जी जो है प्रभुपाद जब दिल्ली में थे तो एक बार तो प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते प्रभुपाद जी को चक्कर आ गए। सुना आपने? वो गर्मी में थे और दिल्ली का टेम्परेचर कभी 40-45 तक चला जाता है, यहाँ भी मेरे ख्याल से 38-40 तक यहाँ भी चला जाता है। हाँ, ये एक हफ्ता पहले मायापुर में भी था, पूरे इंडिया पूरे बेल्ट ही बढ़ गया था। अभी मैं वृंदावन जाने की सोच रहा हूँ, देखा वृंदावन में 38 तक जा रहा है, अभी तो यहाँ भी 38 ही होगा। लेकिन ऐसी गर्मी में भी भक्त अपने सुख दुख की परवाह नहीं करता। अगर मैं सेवा करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है तो सेवा करेंगे, जैसे सर्दी के मौसम बोले किचन जाना है तो बहुत खुशी होगी क्योंकि परोठा बनाते बनाते गर्म गर्म आग भी सेक सकते हैं ना। लेकिन मई के महीने में कहा जाए कि किचन में सेवा करना है तो वो रियल चैलेंज रहे। तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए गए और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक आए। आप सोचिए, ये आसान नहीं हार्ट अटैक। हमें तो थोड़ा बुखार होता है तो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते। मैं बम्बई में एक प्रोग्राम के लिए जा रहा था, थोड़ा सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, मतलब प्रभु जी प्रोग्राम नहीं करते है ना, मैं कोई किसी और को भेज देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का इतना डिटर्मिनेशन था। 2 हार्ट अटैक के बाद, एक्चुअली हार्ट अटैक के बाद भगवान कृष्ण आए ना स्वप्नों में सारे अवतारों के साथ प्रभुपाद जी को मदद करने के लिए। तो ये एक वैष्णव का गुण है, ऑलवेज टेकिंग डिफिकल्टीज इनकन्वीनियंसेस फॉर हेल्पिंग अदर्स बिकम कृष्णा कॉन्शियस। माधवेंद्र पुरी की कहानी मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका आविर्भाव दिवस आ रहा है। उनका तिरुभाव दिवस आता है गौर पूर्णिमा के पहले। आपने सुना है गौर पूर्णिमा के पहले एक शांतिपुर फेस्टिवल होता है। गौर पूर्णिमा के 2 दिन पहले द्वादशी आती है, उस दिन इस्कॉन के भक्त मायापुर के 40,000-50,000 भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं शांतिपुर में। वो दिन इम्पोर्टेंट क्यों है शांतिपुर में? शांतिपुर में किसका घर था? अद्वैताचार्य। फिर तिरुभाव दिवस तो माधवेंद्र पुरी का है, फिर अद्वैताचार्य घर में क्यों मना रहे हैं? अद्वैताचार्य उनके शिष्य हैं और गुरु का तिरुभाव दिवस वो उत्साह से मनाते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ये विरक्त सन्यासी थे, परम उदासीन, और बस ऐसे अकेले भ्रमण करते रहते और द्वितीय साथी भी नहीं रखते, क्योंकि साथी को रखे तो पूछना पड़ता है आप कैसे हो, आपका हेल्थ कैसे है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको गुलाब जामुन मिला कि नहीं मिला, है ना? कल परसों था ना गुलाब जामुन? कल नहीं मिला ना? कल भी रात को सोए नहीं, पूरे रात गुलाब जामुन याद कर रहे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान आपको कुछ तो दे देंगे, है ना? कैसे साथी होते तो विचार करना ही पड़ता है, इवन सीनियर हो जूनियर हो। लेकिन अकेले जो महान भक्त अकेले रहना पसंद करते हैं, उसमें ग्रेविटी आती है, गंभीरता आती है। लेकिन ये जो लेवल है माधवेंद्र पुरी का, ये हमारे लिए रेकमेंडेड नहीं है। हमारे लिए अच्छा है कि कोई तो एक भक्त के साथ रहें, या बेस्ट है मंदिर में रहें, या गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो फैमिली के साथ रहें और मंदिर के बहुत पास में रहें। जैसे आई थिंक आप गृहस्थ आश्रम में रहें, लेकिन मंदिर के पास मंदिर में सेवा करें। आप बाहर नौकरी करें, आपको शायद सैलरी डबल भी मिल सकती है, लेकिन भक्ति आधी हो जाएगी। यहाँ पर सैलरी कम है लेकिन भक्ति ज़्यादा है। इसलिए मंदिर जो है हमारे सेंटर जो है वो हमारे जीवन का सेंटर होना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे भ्रमण करते, फिर कभी आकाश में देखते, अरे वो कौन सा कलर का बादल है? वो नीले रंग का बादल है। उसको देख के उनको क्या याद आता? कृष्णा याद आते।
और वो भाई बेहोश हो जाते थे कृष्ण को देखकर। कभी कभी वो हंसने लगते, कभी कभी वो चलने लग चलते चलते रोने लग जाते। नयनम गलत अश्रुधारया पदनम गदगद हृदया गिर। एडवांस डिवोटी का लक्ष्य। और वो आपको मालूम प्रसाद कितने में लेते थे, वो प्रसाद कितने में लेते थे वो। हमारा कई बार क्या होता है, जैसे मैं अभी प्रभु जी से सीखा कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। हमारे कदर टाइम से भूख लगती है, जैसे 9 बजे भूख लगती है, क्यों हमको नहीं घड़ी को भूख लग जाती है इसलिए हम खा लेते हैं। भाई अभी 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 पेट्रोल भर दो, आगे पंप मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अभी प्रसाद ले लो। लेकिन आइडियली आयुर्वेद के अनुसार जब भूख लगे तभी लेना चाहिए। टेम्पल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर अभी 9 बजे भूख नहीं लगी, फिर 11 बजे भूख लगेगी तो प्लेट दिखेगा लेकिन प्रसाद नहीं दिखेगा फिर भूख ही लगे दिया जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी का लेवल बहुत ऊंचा था। आपको मालूम है कैसे क्या क्या वृत्ति का पालन करते थे? हाँ, हमारे जूम ग्रुप में कोई बताएगा कौन से वृत्ति का पालन करते थे वो? यस, अयाचक। किसी समझ में आया? आप मत बताइए, म्यूट किया। हाँ, यस, अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी मांगना भी नहीं। अभी हमसे कम से कम हम तो हाईएस्ट लेवल है, किसे मांगना ही नहीं। अलग अलग लेवल होते हैं। एक होता है कि जो चाहे खाओ, वेज नॉन वेज, यू नो, और अगला जन्म कुत्ता बिल्ली बन के कन्फर्म टिकट, है ना, कुछ भी मिल जाए, वेज खाओ नॉन वेज खाओ, ऑफरिंग की ज़रूरत नहीं। जो चाइना में बोलते हैं, चाइना का नाम सुना है आपने? चाइना में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर छोड़ के सब उड़ती हुई चीज़ों को पकड़ के खाते हैं कोई पक्षी हो गया, कोई सांप हो गया, सांपों का भी अचार डाल देते हैं। बहुत एडवांस देश है चाइना, है ना, पशु गति में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, ये भारत और चाइना की लड़ाई रहती है, हम भारतीय हैं, इसलिए कल्चरल लेवल बहुत नीचे, कल्चरल लेवल बहुत नीचे। लेकिन आज देखिए प्रभुपाद की कृपा से चाइना में भी प्रचार हो रहा है। इसका क्रेडिट शुरुआत होता है परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। आपने नाम सुना है तमाल कृष्ण गोस्वामी, ये प्रभुपाद जी के शिष्य रहे। एक बार प्रभुपाद थोड़ा नाराज हुए तमाल कृष्ण महाराज से, कभी कभी होता है शिष्य और गुरु में। उन्होंने उनको बोला कि यू गो टू चाइना। अमेरिका में क्या है, किसी को बोलते हैं ना तू भाड़ में जा, तो क्या बोलेंगे, तू चाइना जा। जैसे किसी को बोलेंगे इंडिया में कि कोई जा तू पाकिस्तानी है, मतलब बहुत ही कंडेम, जा गो टू चाइना। तो उन्होंने सीरियसली लिया और चाइना में प्रचार करने लगे। और चाइना में इतना पावरफुल प्रचार कर रहे थे, पेंट शर्ट में जाते, होटल्स में रहते और लोगों को हरी नाम। वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया। चाइना भी बेसिकली कम्युनिस्ट है, धर्म में ये नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। डिवोटीज को ऐसे छिप के जाना पड़ता पेंट शर्ट में जाके। तो उनको गवर्नमेंट ने बोला देखो तुम अमेरिका से हो, और किसी देश के होते हैं ना तो हम मृत्यु दंड देते, लेकिन आप अमेरिकन हो, अगर हम मृत्यु दंड देंगे तो दोनों देशों में बवाल मच जाएगा, हम तुमको भेज रहे हैं यहाँ से बाहर, फिर आना मत। उनके लिए स्पेशल प्लेन किया, मतलब दिल्ली क्या होता है, हम एयरपोर्ट जाते हैं, फिर चेक इन करते हैं, फिर बस से एयरपोर्ट से प्लेन में बैठते हैं। उनके लिए कार आई एयरपोर्ट तक, वो कार प्लेन तक आई, प्लेन में चढ़ाया उनको और वापस मत आना। तमाम किसी महाराज गए और फिर 2-3 घंटे बाद एयरपोर्ट से दूसरा फ्लाइट लेके आ गए वापस। इतने उनका करेज था भगवान। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण रक्षा करने वाले हैं तो कौन मार सकता है, जब कृष्ण मारने वाले हैं तो कौन रक्षा कर सकता है। मतलब आप सोचिए, हमें भी थोड़ा मैं तकलीफ़ होती है प्रचार में, मौसम गर्मी का है, पैसे की यहाँ कमी है, और ये सेंटर जो है मतलब अभी डेवलपिंग है। जैसे पांडवों को दिया गया था ना खांडव प्रस्थ, फिर उसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो यहाँ पर पहले बहुत तपस्या रहती, राधा गोपीनाथ टेम्पल जब शुरू हुआ था बॉम्बे में, वो ऑर्फनेज था, वो अनाथालय था। किसी एक सज्जन ने श्रीनाथजी प्रभु ने बोला हमारे पास बहुत एरिया प्रॉपर्टी, आप उधर ही मंदिर बनो। पर मुझे राधानाथ महाराज का विश्वास था कि भगवान सब देंगे, तो जो बच्चों का खेलने का एरिया था वो बाद में टेम्पल रूम हो गया।
फिर वहाँ पे भोला क्लासेस थे, ऐसे ना कोचिंग क्लास, फिर थोड़े पैसे देके उन क्लासेस को भोला को टोला भेज दिए। फिर एक स्कूल था टिंकर बेल स्कूल, तो ऊपर हम लोग ब्रह्मचारी रहते और क्लास लेते, नीचे ये सब बड़ा अजीब लगता था। तो टिंकर बेल की बेल बजा दी हमने, है ना, उसको थोड़ा पैसा देना पड़ता है, मतलब एक एक रूम का 1-1 करोड़ रुपये इतना होता है। यहाँ तो प्रॉपर्टी का रेट कम है, बम्बई में और ज़्यादा। बम्बई में आपको 1 BHK फ्लैट लेना है तो 1 करोड़ रुपये चाहिए 1 BHK। किसी ने बोला 20 लाख में चाहिए तो बोले आपको टॉयलेट मिल जाएगा खाली। तो बम्बई में ऐसे इतनी प्रॉब्लम थे, लेकिन भक्त डिटरमेंट थे कि प्रचार करना है। तो अभी इतना सुंदर सेंटर हो गया दुनिया में, सब लोग बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं DTs को। ऐसे यहाँ पर अभी संघर्ष है, हमारे जगदीश प्रभु हैं और रमाकांत प्रभु हैं और गिरिराज प्रभु, 3-4 भक्त हैं जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ, आप सब भी हेल्प कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। और ये चैलेंज है भुवनेश्वर इस्कॉन, जब प्रभुपाद गौर गोविंद महाराज को बोले ये प्रॉपर्टी दान में मिल रही है ले लो और मंदिर बनाओ, तो वहाँ पे सांप रहते थे, बिच्छू, और दिन दहाड़े लोगों का मर्डर होता था प्रयागराज की तरह, है ना। वहाँ भी अच्छे प्रयागराज अच्छी जगह है, लेकिन प्रभु जी बता रहे थे मर्डर्स भी बहुत होते हैं यूपी इलाके में। अभी योगी आदित्यनाथ के आने से थोड़ा सा कम हो गया, तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्राइम सब जगह। तो गौर गोविंद महाराज को बोला कि आप ये मंदिर बनाओ यहाँ पर, लेकिन उनके साथ दूसरे भक्त थे, बोले प्रभुपाद ने बोला है लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम नहीं है यहाँ पे क्या स्थिति है। तो उनको गुरु में पूरा विश्वास नहीं था, भक्ति में सफलता के लिए गुरु की आज्ञा में पूरा विश्वास थी। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको गुरु में ना वो जैसे एक दुबला दिया था, इससे बहुत हेल्प होती है। नारियल पानी बाद में लेता अभी तो रहने, सॉल्ट बॉडी में जाता है ना, तो नरिशमेंट है, जस्ट वेरी स्मॉल, मतलब BP लेवल कम है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, इसको भगवान में और गुरु में पूरा विश्वास है, उसको सारे शास्त्रों का अर्थ समझ में आ जाता है। ए पढ़ा लिखा नहीं भी हो, आपको मालूम है एक कहानी, दक्षिण भारत की एक कहानी है कि एक बार कोई ब्राह्मण थे जो रोज़ भगवद गीता पढ़ते थे। आपने सुने, आपने कहानी सुनी है? एक बार एक ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत में रहते थे, कौन से मंदिर के पास रहते थे वो, रंगनाथ जी का श्री रंगम मंदिर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है एरिया वाइज। आप में से कितने लोग गए हैं श्री रंगम? देखो जगदीश प्रभु, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप लीडर और अन्याय है, आप सब जगह घूमते हो, सबको नहीं ले जाते हैं। जहाँ जहाँ आप गए हो ना, वहाँ पर जाना हो गया। आप तिरुपति गए, श्री रंगम गए, कन्याकुमारी गए, रामेश्वरम, हाँ, जहाँ जहाँ आप गए आप सबको ले जाइए, जहाँ नहीं गए मैं आपको लेके जाऊँगा। और मैं ऐसे, मतलब मैं अपने सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं कि जो यात्रा में 6,000 का खर्चा होता है वो काम हम 3-3.5 हज़ार में कर देते, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, सब रेट्स तो वेरिएबल है, कहाँ से प्रसाद बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। वही चीज़ का दाम 5,000 में हो सकता है, वही 3,000 में हो सकता है, लोकल व्यक्ति का कॉन्टैक्ट। रूम्स का भी है, तो रूम्स का कोई MRP तो होता नहीं है, ये ना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं बिकते रूम, वो दाम के ऊपर है, जैसे मतलब डिमांड के ऊपर होता है। तब श्रीरंगम प्रभु जी हमको प्रॉमिस कर रहे हैं ले जाएंगे सबको, लेकिन इस मौसम में मत जाना, श्रीरंगम में गर्मी बहुत होती है अगस्त के बाद। श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है, भगवान ऐसे लेटे हुए। तो कहानी बहुत पहले की है एक्चुअली, ये श्रीरंगम का मंदिर जो है, ये DTs पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, फिर रघुकुल के वंश के लोग इसकी सेवा कर रहे थे, और बाद में जब रामायण का युद्ध पूरा हो गया तो भगवान राम ने ये विग्रह विभीषण को दे दिए, तुम लेकर जाओ श्रीलंका के लिए, लंका की रक्षा के लिए। तो विभीषण उनको पुष्पक विमान से वापस लेके आ रहे थे, अचानक विमान नीचे उतरने लगा एक जगह पे,
भगवान रंगनाथ जी की इच्छा से वो नीचे आ गए। भगवान बोले मुझे यहाँ रुकना थोड़ी देर, तो जगह थी जंगल का इलाके था, ये भगवान को अच्छा लगा जगह। अंत में भगवान बोले कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो विभीषण बोले कि प्रभु ये क्या है, आप तो लंका की रक्षा करने आ रहे हो। तो भगवान बोले आप चिंता मत करो, मैं यहीं पर लूँगा, लेकिन मेरी दृष्टि जो है वो श्रीलंका की तरफ रहेगी। हर मंदिर में भगवान की दृष्टि पूर्व की दिशा में होती है, जैसे यहाँ पे पूर्व दिशा है ना, अपने ऐसे प्लान करके ही बनवाया था, ये तो पहले से ऐसे था, ये हॉल ऐसे ही पहले से था, भगवान का पूर्व दिशा। अच्छा तीन रूम है, तो आपका भगवान का अरेंजमेंट है कि एग्जैक्ट ऐसे ही मिला आपको, ईस्टर्न फेसिंग, पूर्व की दिशा में रहकर साधना करना अच्छा होता है, ड्यूटी हमेशा पूर्व की दिशा में रहे। तो सारे मंदिरों में भगवान पूर्व दिशा में होते हैं, लेकिन श्रीलंका में भगवान दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, श्रीलंका की ओर, अपनी दृष्टि से उनकी रक्षा कर रहे। तो भगवान रंगनाथ जी वहीं पर रहने का निश्चय किया उन्होंने। तो उसके कुछ सालों के बाद में, ये तो बहुत त्रेता युग की बात है, फिर भगवान अप्रकट हो गए थोड़ा समय बाद। फिर कुछ भक्तों को आवाज़ आ रही थी, भगवान बोले मुझे बाहर निकालो, मैं झाड़ियों के बीच में। तो फिर रंगनाथ जी के विग्रह को निकाला गया और ये मंदिर बनाया गया, जो श्रीरंग का मंदिर है, ये बड़े बड़े आलवरों की सहायता से बनाया गया। कोई डोनेशन देने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने ऐसे ट्रिक्स यूज़ किए, नॉर्मली नहीं किया जाते मालूम आपको कहा है ना, वो चार लोगों की मदद ली और डाकुओं की मदद से मंदिर बनाया गया। हाँ मालूम है आपको, वो नित्य सेवा मांगते थे, बोर्ड लगाते थे, गौ सेवा को देता ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम उस समय भी था। तो फिर उन आलवरों के जो संत थे उनके आदेश से चोरों की सहायता ली गई, और जो वैसे लोग रिसीप्ट बुक पे नहीं देते, लेकिन चोरों के डर से देने लगे। अभी ये जो तरीका है मंदिर बनाने का, ये हमको जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं आप बोलोगे कि चलो हम भी यूज़ करेंगे, है ना, नहीं इसका उनका नाम ख़राब हो जाएगा और हमारा ATG एग्जामिनेशन चला जाएगा। और तो ये मंदिर बनाया तो बाद में क्या हुआ, वो चोर बोलने लगे हमको भी अपना हिस्सा चाहिए। अभी हिस्सा कहाँ से लाए, मंदिर में तो बन गया। तो फिर उन्होंने प्लान किया, सब चोरों को एक एक व्यक्ति था जो कोई भी, वो चार जो थे उसमें से एक को ताला खोलना आता था, एक मीठी मीठी बातें कर सकता था और एक पानी में चल सकता था। तो सारे चोरों को मीठी मीठी बात करके पानी में ले गए और नीता गौर प्रेमानंद उनको वहाँ पर डुबो दिया। अभी ये बात आप सुनोगे तो अरे साधुओं के ये क्यों किया, उनके कर्म इतने बुरे थे कि उनको प्योरीफाई करने की ज़रूरी थी। फिर ये मंदिर बनाया गया, बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसे बताया जाता है कि इसके सात चार एंट्रेंस हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और हर एक के एंटर प्रवेश करने में सात दरवाजे पार करने पड़ते हैं। जैसे गोपुरम होते हैं ना, जैसे आप बोध गया में जाओगे अभी तो पहले एक चक्र है, फिर दूसरे में जाना पड़ता है, दो में जाना पड़ता है, ऐसे श्रीलंका में जाने के लिए तीन होते हैं। आप गए कभी श्रीलंका, मैं आपको लेके जाऊँगा, अभी बेंगलोर के पास में थोड़ा और आगे हैं श्रीलंका में, बहुत सुंदर टेम्पल है, अंदर रंगनाथ जी लेटे हुए हैं। देखो भगवान बड़े एक्साइटिंग है, भगवान को जब डांस करना होता है ना वृंदावन में जाते हैं, राधे राधे, आपकी आवाज़ से लग रहा है आपने निर्जला व्रत रखा है, राधे 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 राधे। तो भगवान डांस करते हैं वृंदावन में, डांस करने के बाद क्या होगा, भूख लगेगी, यस अभी ऑफरिंग होने दो बाद में हाँ। तो कहाँ जाएंगे प्रसाद खाने के लिए, जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी प्रसाद खाने के बाद फिर क्या होता है, नींद आती है, तो कहाँ जाएंगे, श्रीरंगम। आप गए हैं श्रीरंगम, श्रीरंगम जैसे वहाँ पर लेट जाते और फिर उठने के बाद भगवान को अगर इच्छा हुई तो बिजनेस करना है तो कहाँ जाएंगे, नहीं तिरुपति, बालाजी सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ 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 कोई फैक्ट्री भी नहीं चलाते,
ऑफिस में नहीं जाते, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं, खाली खड़े रहते हैं और ये डोनेशन डाल दो यहाँ पे, वहाँ पे देखे बड़ी हुंडी है ना, डोनेशन डाल दो, बस करोड़ों का कलेक्शन हो रहा है, कुछ किए भी नहीं, अनाउंसमेंट भी नहीं, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ऐसे सब लोग आके डाल दें, कितना बढ़िया नहीं। आप बैठे रहो, लोग भाई 10 करोड़ रखो मेरी तरफ से, 1 करोड़ रखो, प्लीज़ स्वीकार तो करो, देव देव और देते जाओ। और एक्चुअली ये भी इंटरेस्टिंग है, मालूम है ये पैसा आता है कहाँ जाता है, कहते गवर्नमेंट पता नहीं क्या करते, लेकिन स्पिरिचुअली ये जो पैसा आता है बालाजी को, वो लोन रिपेमेंट में जाता है। बालाजी ने भी लोन लिया था, मालूम है कभी लोन लिया था, जब उनका विवाह होना था पद्मावती के साथ, तो मैंने कहानी सुनी कि भगवान बालाजी को भी विवाह करने के लोन लेना पड़ा, तो मैंने निश्चय किया कि ब्रह्मचर्य रहना अच्छा है। पहले विवाह कराने के लिए लोन, फिर उसके बाद बच्चों को बड़ा करने का लोन। ऑफ कोर्स आपको अच्छा जॉब है तो फिर ठीक है, लेकिन एंग्जाइटी बढ़ जाती तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन अगर गृहस्थ डिवोटी जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ, प्रभु जी मुझे अप्रिशिएट बता रहे थे, वो प्रयाग से है, अभी प्रयागराज में बताना, मैं कोई सुन रहा होगा शायद, प्रयाग से बोल रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा श्रवण कीर्तन, हालांकि प्रयाग का सेंटर मटेरियली बड़ा है, प्रयाग का जो होली प्लेस का लेवल है गया से कई गुना ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन यहाँ पे प्रभु जी अप्रिशिएट कर रहे थे खाली ब्रह्मचारी को नहीं, वो बोल रहे थे कि गृहस्थ डिवोटीज भी सुनने के लिए उत्सुक हैं। बाकी जगह क्या होता है, लोग कीर्तन के लिए आते हैं, नाचते हैं, यहाँ भी नाचते हैं, एकदम पहले पहले कथा सुना देते हैं, एक बार नाचने के बाद फिर नशा हो जाते हैं नाच ट्रांसलेट। तो मैं भी रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी से कि ये सेंटर बहुत फले फूले, इसमें हजारों की संख्या में भक्त आए और आएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम साधना अच्छी करते, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का देखिए कैसे वो साधना को मेंटेन करते हैं, रात को 11 बजे भी सोए सुमंगल आरती के लिए उठ जाते, परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए उनका हेल्थ खराब भी होता था, परम पूज्य जयपतक महाराज तो मृत्यु के मुंह तक चले गए थे, ऑलमोस्ट डेथ आने वाला था, फिर भी जैसे उनका हेल्थ रिकवर हुआ। तो हमें भी एक संकल्प करना चाहिए कि न केवल 16 माला करना है, हो सके तो मॉर्निंग प्रोग्राम भी अटेंड करें, एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन, यानी रविवार के दिन या जो भी दिन आपको कन्वीनियंट है। कितने भक्तों को लगता है अच्छा आइडिया है सप्ताह में एक दिन मंगल आरती अटेंड करना, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं खाली एक दिन करना है। गुरु जी बोलते हैं उसका पर्पट समझना चाहिए, कई बार लोग क्या होता है कोई चीज़ को बोलते हैं प्रभुपाद ने बोला ना 16 माला करने को, आप 18 क्यों बोल रहे हो, आप गुरु अपराध कर रहे हो। तो ब्लाइंड फॉलो नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोइंग क्या मतलब, एक बार गुरु जी जा रहे थे घोड़े के ऊपर और शिष्य पीछे पीछे जा रहे थे, अचानक क्या हुआ गुरु जी का चश्मा गिर गया, तो शिष्य ने ध्यान नहीं दिया और गुरु जी बोले मेरा चश्मा गिर गया, उठाया नहीं, बोले गुरु जी आपने बोला तो नहीं था, तो बोले अरे बेटे कुछ भी चीज़ गिर जाए तो उठाना चाहिए ना, तो बोला ठीक है। फिर अगले दिन वो जा रहे थे गुरु जी के पीछे पीछे, अचानक घोड़ा स्टूल पास करने लगा, तो उसने बहुत ध्यान से पकड़ के पैक करके ले आया, अगले दिन मंगल आरती में लेके आया, बोले गुरु जी आपने बोला था ना कुछ भी गिर जाए, अरे मूर्ख तेरे को ये थोड़ी बताया, तो बोले क्या क्या, बोले देखो अगर चश्मा गिर जाए, पेन गिर जाए, बीड बैग गिर जाए तो उठा लेना चाहिए। अगले दिन क्या हुआ, घोड़ा जोर से उछला, गुरु जी गिर गए, तो उसने चेक किया है ना, चश्मा है, बीड बैग है, गुरु जी तो लिस्ट में नहीं है। जैसे ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए गुरु जी को मेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी सुबह उठना है कि नहीं उठना है, गुरु जी डिवोटी नहीं उठ रहा है इसको क्या करना चाहिए, अरे वो अपना दिमाग भी लगाओ ना। गुरु जी मैं वो फ्री टाइम में चैंटिंग करूँ या मैं अभी निद्रा देवी की सेवा करूँ, टू यूज़ कॉमन सेंस। लेकिन कोई कोई चीज़ हमें रिजिड होना चाहिए, तो मैं बता रहा था, सॉरी बहुत सारी कहानियाँ एकत्र हो, कौन सी कहानी बता रहा था, रंगनाथ, यस हाँ हाँ बालाजी, यस बालाजी में बिजनेस करते हैं, और भगवान को जब
और बहुत सारे हैं, बहुत एस्पेक्ट हैं। पंडरपुर भी भगवान जाते हैं अपने भक्त, एक भक्त थे इसका नाम था पुंडलिक, हमने कहानी सुनी है पुंडलिक। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करते थे, लेकिन उनके माता पिता शुद्ध भक्त थे, तो भगवान स्वयं आए पुंडलिक को दर्शन देने के लिए। पुंडलिक बोला, प्रभु मैं बिजी हूँ, ये लो, ऐसे उनके एक ईंट रख दी कि आप इसके ऊपर खड़े रहो। वो कौन सा रूप है जो भगवान ईंट के ऊपर खड़े? विट्ठल, विट्ठल 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 पंडरीनाथ पंडरीनाथ विट्ठल पांडुरंग विट्ठल। चैतन्य महाप्रभु भी गए थे पंडरपुर। तो यहाँ पर श्रीरंगम में ये भक्त थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट, सॉरी वेंकट भट्ट नहीं, वेंकट भट्ट की कहानी बाद में, ये ब्राह्मण का नाम नहीं बताया। और ये भगवद गीता रोज पढ़ते थे, आपने सुनी होगी ये कहानी ने। उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि आप गीता के 18 अध्याय पढ़ो, तो रोज पढ़ते थे। उनका उच्चारण ठीक नहीं था, कई लोग उनका मजाक करते थे, लेकिन वो सोचे थे कि भगवान प्रसन्न हो। हमें लाइफ में यही देखना है कि कैसे गुरु और भगवान प्रसन्न हो। सबको प्रसन्न करने जाओगे तो फायदा नहीं है, खाली भगवान को प्रसन्न करो। तो महाप्रभु आए, देखा वो गीता पढ़ रहे, सब लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे। महाप्रभु ने पूछा, ये ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो, आप भगवद गीता क्यों पढ़ रहे हो? बोले, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है कि रोज 18 अध्याय पढ़ो, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन वो तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हो? बोले, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा उच्चारण भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है, मैं गीता पढ़ूंगा। तो महाप्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु कहे तुम्हें गीतार पाठेर अधिकार है। हाँ, प्रभु क्या बोले? आप भगवद गीता पढ़ने के लिए अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि आपको गुरु के शब्दों में पूरा विश्वास है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आर न को रिहो मने आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य, जो गुरु के मुख से वाक्य आते हैं वो हमें सांत्वना देने वाले। ये प्रभुपाद जी की बुक से गुरुवाणी है। आपने देखा जो सिख मंदिर होते हैं वहाँ पे ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, देखा आपने? बुक्स, होली बुक्स को चमर करते हैं। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब है ना, जैसे हमें भी भागवत की पूजा करनी चाहिए। कभी कभी लोग भागवत जमीन पर रख देते हैं, भागवत भी भगवान का रूप है। कभी इमरजेंसी हो, ड्यूटीज नहीं हो, तो भागवत को भी भोग लगा सकते हैं। भागवत कृष्ण स्वरूप आए, कल बताया था ना, भागवत कृष्ण का ही स्वरूप। तो ये ब्राह्मण जो है भगवत गीता पढ़ रहे थे, उच्चारण ठीक नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर बहुत कृपा की। मैं तो मैं कहानी क्यों बता रहा था कि श्रवण बहुत लॉयली, सच्चे दिल से श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। बुद्धि बल से भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान कहीं बोलते नहीं है कि श्रवणा माम अभी जान आती, सॉरी बुद्धि माम जानती। श्रवण, श्रवण के मार्ग से क्या होता है, हमारे कानों के छिद्रों से भगवान की कथा जब जाती है तो हृदय में सब अनर्थ दूर हो जाता। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम शुरू किए थे माधवेंद्रपुरी से, फिर कहानी में कहानी, कहानी में कहानी। तो माधवेंद्रपुरी भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते कहाँ पहुँचे? गोवर्धन। गोवर्धन में एक बहुत सुंदर कुंड है, इसके पास बैठ के वो जप करने लगे। कौन सा कुंड है? राधा कुंड भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गोविंद कुंड। तो महाप्रभु वहाँ पर कीर्तन किए,
सॉरी माधवेंद्रपुरी वहाँ पे भजन किए, जप कर रहे थे, और उन्होंने कुछ प्रसाद खाया नहीं था। उनका पॉलिसी था अयाचक वृत्ति, कोई अगर आके जाता बाबा बाबा ये लो आप खा लो रोटी, तो खा लेते, कोई नहीं दे तो फिर वैसे। ये बहुत एडवांस स्टेज है। मैं जब इस्कॉन में ज्वाइन किया 1986 में, तो मैंने कहानी सुनी तो मेरी इच्छा हो कि मैं भी ऐसे करूं। तो मेरा मंदिर राधा गोपिंद मंदिर में ऑल्टर यहाँ है, उसके बाजू में मेरा ऑफिस था, कंप्यूटर ऑफिस, क्योंकि उससे मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बहुत कम थे, तो मैंने एमटेक किया था, मेरे को सेवा दी गई थी कंप्यूटर से। तो फिर मैं वहाँ बैठा था और मैंने सोचा अयाचक वृत्ति पालन करेंगे, कुछ जाएंगे ही नहीं, मांगेंगे ही नहीं। तो एक दिन पूरा बीत गया, कोई लाया ही नहीं प्रसाद। मैं ऑफिस में बैठा रहा, अगले दिन मंगल आरती के बाद दौड़ते हुए गया, जो भी राजभोग था खुद खा लिया हमने, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है। हमारे लिए अच्छा है कि देखो अलग अलग लेवल्स होते हैं प्रसाद के लिए। एक्चुअली शुरू वहाँ से हुआ था। एक तो है कि चाइना की तरह जो मिले जहाँ मिले खा जाओ, ऑफर्ड अनऑफर्ड चूहा बिल्ली कुत्ता सांप जो मिल गया, ऑफरिंग की जरूरत नहीं। दूसरा है खाली वेजिटेरियन भोजन खाओ उससे अच्छा, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाओ, ये जैन फूड बोलते हैं उसका। तीसरा उससे भी ऊंचा क्या है, हाँ जो आपको अच्छा लगता है आप बनाओ, लेकिन भगवान को खिलाओ। मेरे इडली अच्छा लगता है, मैं इडली खाता हूँ तो वो भी नम्रता से स्वीकार कर लेते। तो ये हाईएस्ट लेवल नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचा लेवल क्या है कि जो मंदिर में बना है वही खाना, और उससे भी ऊंचा क्या है कुछ मांगना ही नहीं। अगर कोई लाके देते बाबा बाबा ये लो खीर है गुलाब जामुन है, तो खुशी से खा लेना। कोई बोलते अपने आपका गुलाब जामुन ख़त्म हो गया, तो गुस्से से सहन कर लेना, खुशी से सहन कर लेना। तो माधवेंद्र पुरी का एक गुण था, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। तो माधवेंद्र पुरी जब गोविंद कुंड पहुँचे, एक बालक आया, बाबा बाबा ये लो थोड़ा दूध लो, आपको उपवास क्यों रख रहे हो। माधवेंद्र पुरी इस बालक को देखने लगे, सोचने लगे ये बालक कौन है, ये कौन है ये बालक, इसको देख के मेरा मन आकर्षित हो रहा है, हु इज दिस चाइल्ड। सोच रहे थे और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। बोला मैं ग्वाला हूँ, ग्वाला मैं गायों का दूध निकालता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ माताओं ने बताया कि आप भूखे हो, कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, या तो कोई मांग के खाता है, जो नहीं मांगता उसके लिए मैं स्वयं ला के देता हूँ। वो गीता में कौन सा श्लोक है, भगवान बोलते हैं मैं खुद ला के देता हूँ, अनन्य चिंतयंतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त को जो चीज़ की आवश्यकता है मैं प्रदान करता हूँ, आई कैरी वॉट ही लैक्स एंड प्रिजर्व वॉट ही हैज। तो माधवेंद्र पुरी ये जो का लेवल है बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारे लिए इससे एक लेवल है, कुछ भी खाने से अच्छा है ऑफर करके खाओ, उससे भी अच्छा है जो मंदिर में बना है वो खाओ, उससे भी अच्छा है घर घर जाके भिक्षा मांगो, कोई भिक्षा मांगो भिक्षा दे ही, और जो देने आएगा उसको बोलो हरे कृष्णा गाने के। और उससे भी ऊंचा है माधवेंद्र पुरी का लेवल, जिसको क्या बोला गया अयाचक वृत्ति। अयाचक मतलब नो अदर डिपेंडेंसी, सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे है। तो माधवेंद्र पुरी उस लेवल पर थे, हम उस लेवल पर नहीं हैं, इसलिए हमें नकल नहीं करनी चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी ने वो खीर तो खा लिया, वो खीर इतना टेस्टी था, उसके बर्तन को तोड़ दिया, रोज थोड़ा थोड़ा खाने लगे। और सवेरे के समय वो सोचने लगे, हाँ वो वहीं पर थे, और फिर भगवान सपनों में आए ना, किसके सपनों में आए, हाँ माधवेंद्र पुरी के। एक्चुअली नहीं, पहले ये सपना आया कि भगवान बोले मुझे बाहर निकालो, है ना, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और माधवेंद्र पुरी ने फिर आके कुछ भक्तों से सहायता लेके झाड़ियों में से भगवान को निकाल लिया, मुझे डीटी से।
तो माधवेंद्रपुरी ने मंदिर तो बना दिया, एक्चुअली पैसे भी नहीं थे उनका, भी कुछ गैर सेंटर की तरह था, कुछ था ही नहीं तो कोई व्यक्ति आया बोला मैं बाउंड्री वॉल का खर्चा देता हूँ 10 लाख रुपए, कोई बोला मैं ऑल्टर के लिए 20 लाख दे रहा हूँ, ऐसे करते करते मंदिर बनाया गोपाल जी के लिए। मैंने बताया ना गोपाल जी को ज़मीन से निकाला, उनको भोग भी लगाया, भोग लगाना भूल गया मैं, भोग लगाया यहाँ पर भोग लगा, और 2 साल तक सेवा चलती रही। माधवेंद्रपुरी भगवान के सेवा में लगे थे और साथ साथ नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 साल तक तो सेवा चलती रही, 2 साल के बाद क्या हुआ, और एक सपना आया। आपको तो नहीं आ रहा ना सपना, आज जल्दी उठ गए थे, सपना आ रहा है। और एक सपना है, क्या सपना आया इस बार भगवान क्या बोले सपने में? हाँ, मेरे को गर्मी लग रही है, मेरी गर्मी दूर नहीं हो गई, आप जाओ। कहाँ जाओ? मलय देश, चंदन लाने, जगन्नाथ पुरी जाओ। चलिए प्रैक्टिकली वो जगन्नाथ पुरी गए और जानेंद्रपुरी उठे और तुरंत निकल पड़े। अभी मैं होता तो बोलता प्रभु पहले चेक करना होगा ट्रेन का टिकट अवेलेबल है कि नहीं, RAC है सेकेंड AC में, जैसे मैंने प्रभु जी को बोला अभी अभी 10 बजे मेरा चार्ट बनेगा कन्फर्म है कि नहीं, टेंशन होता है। लेकिन माधवेंद्र पुरी ऐसे ट्रेवल करते जहाँ का टिकट हमेशा अवेलेबल होता 11 नंबर का है ना, पैदल तुरंत पैदल जाते, तो निकल पड़े साउथ इंडिया जगन्नाथ पुरी के लिए। जब जगन्नाथ पुरी पहुँचे, सॉरी नहीं पहले रास्ते में कहाँ रुके वो? रेमुना। रेमुना में क्या हुआ घटना आप बताएंगे, क्या हुआ हिंट दीजिए शुरुआत में क्या हुआ? हाँ, गोपीनाथ जी का दर्शन किया, गोपीनाथ का सुंदर रूप था और जैसे उन्होंने प्रणाम किया भगवान की जो सिर की माला है वो गिर गई, पुजारी ने फिर माधवेंद्र पुरी को दी। हमारा क्या, हम 20 रुपये देते हैं एक माला ले लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है उनके केस में स्वाभाविक भगवान देना। तो माधवेंद्र पुरी बहुत खुश हुए, फिर उन देखने लगे यहाँ भगवान को भोग लग रहा था, वो सोचने लगे, उन्होंने पूछा यहाँ भगवान को क्या क्या भोग लगता है। अब यहाँ भी प्लेट जैसे ही आई मेरे मन में चल रहा था, क्या चल रहा था, आज भगवान को क्या क्या भोग लगता है। क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि जो नंद शिव जी को मिलेगा नंदी को भी मिलेगा, हम यही सोचते हैं ना भगवान ने क्या क्या है तो हमें भी मिलेगा। फिर माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, ओ आई एम एन ऑफेंडर, मैं अपराधी हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, मैं स्वयं खाने की सोच रहा हूँ। मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, वो थोड़ा दूर चले गए। और रात को भगवान को जब शयन दर्शन होने के बाद भगवान को सुलाया गया, और उस समय गोपीनाथ, ये जो लीला हुई वो DT का नाम है खीर चोर गोपीनाथ। इनफैक्ट प्रभु जी का गांव वहाँ से पास में है, प्रॉपर रेमुना से आपका 7-8 किलोमीटर दूर होगा, 30 किलोमीटर। तो हम लोग को जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे रेमुना में प्रभु जी अरेंज करेंगे हमारे लिए खीर। तो माधवेंद्र पुरी, मैंने ये खीर चोरी की लीला बताई शॉर्ट में, नहीं बताई ना। माधवेंद्र पुरी मार्केट में बैठे थे और रात को भगवान पुजारी के सपनों में आए। पुजारी उठ गया, क्या चाहिए? बोले मैंने कुछ खीर छिपा के रखा है, वो देखो तुलसी के पीछे पर्दे के पीछे, आप जाओ और वो खीर चुरा के किसको दे दो? माधवेंद्र पुरी के। पुजारी को आश्चर्य हो, रात को 1 बजे उठे और देखा अरे अंदर जाके खीर पड़ा है। जैसे पुजारी एक्सपर्ट होते हैं ख़त्म करने में, मतलब बांटने में, या नहीं या स्वयं कोई इतना देर नहीं लगता खीर। तब माधवेंद्र पुरी भगवान पुजारी को बोले, माधवेंद्र पुरी को वो बर्तन को पर्दे से निकाल के माधवेंद्र पुरी को देना। तो
पुजारी उठे और वो दौड़ते हुए गए, पर्दे के पीछे खीर को लिया और माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कहाँ पर है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी बोले मैं ही हूँ, क्या चाहिए? ओ आप दंडवत प्रभु जी, दंडवत, आप इतने महान भक्त हो, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया। यानी हमारा कहना अपने आप के लिए खुद चोरी करते हैं, ईमानदारी से तो कभी मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी जैसे एडवांस भक्त को भगवान पूरा विश्वास था। भक्त का मतलब है रक्षति कृष्ण इति विश्वासो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे, मुझे और कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भगवान पे पूरा डिपेंड हो जाना है। और हमेशा महामंत्र गाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवेंद्रपुरी को पूरा फेथ था और वो खीर को उन्होंने ग्रहण किया। और माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं रहूँगा, सब लोगों को मालूम पड़ेगा, सब लोग बोलेंगे आप ही माधवेंद्रपुरी हो, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी किया, चलो हमारे साथ चलो और कथा सुनाओ। माधवेंद्रपुरी इस प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहते थे। प्रतिष्ठा ए शुकरे र विष्ठा, ये प्रतिष्ठा मतलब मैं महान भक्त हूँ, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये अभिमान को प्रतिष्ठा बोलते हैं। फिर प्रतिष्ठा क्या है? शुकरे र विष्ठा मतलब सुअर की विष्ठा। अभी सुअर का आवाज़ सुन के डर लगता है और सुअर जो खाता है वो भी हरे कृष्ण, और जो उसका निकलता है तो सुपर हो जाता है ना, उसको भूखा होने भी आदमी नहीं खाएगा। ये जो हमारे एडोरेशन डिस्टिंक्शन की इच्छा है ये शुकर है विष्ठा, लेकिन निकलती नहीं आसानी से। आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करना है, प्लीज़ मेरी आसक्ति को नष्ट करो, तभी ये इच्छाएँ नष्ट होंगी। विषय छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरी 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 हरी। माधवेंद्रपुरी फिर सोचे यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ रहूँगा सब लोग मेरे को गुणगान करेंगे। वो चुपके से निकल गए रातों रात, खीर खाया उन्होंने, खीर खाया कि नहीं खाया, खा लिया और यही नहीं उसके पैकेट को तोड़ के रखा, रोज थोड़ा खाते थे खीर। और माधवेंद्रपुरी फिर निकल पड़े वापस, कहाँ जाने के लिए? रेमुना से पुरी। माधवेंद्रपुरी इस बार जब आए फिर से वो मंदिर में आए खीरेश्वर गोपीनाथ के, और भगवान को प्रणाम किया। नहीं, इसके बाद जगन्नाथपुरी गए ना, हाँ ये मैं भूल गया बताना सर। वहाँ से निकल गए जब भी प्रतिष्ठा से बचने के लिए, तभी पुरी गए, सॉरी पुरी में पता चल गया। हाँ पुरी में गए वो छुपने के लिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहते, लेकिन सब देख के ही बोले आप माधवेंद्रपुरी हो, हाँ आपके लिए चंदन भगवान ने खीर चोरी किया। अभी हमारा क्या, हमारे लिए अगर कोई ऐसा होता ना तो तुरंत बोलते प्रभु जी फोटो निकालो फेसबुक पर डालो, नहीं भगवान ने कृष्ण प्रभु के लिए, भगवान चढ़ते नहीं चोरी, खुद ही चोरी करके बोलेंगे भगवान ने चोरी किया, है ना। प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत एडवांस डिवोटी हैं जिनको प्रतिष्ठा से नफरत होती है। क्यों? प्रतिष्ठा भक्ति में बाधा बनती है, जितना अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाते हैं उतना ज़्यादा भगवान की कृपा से वंचित रह जाते। प्रभुपाद जी के एक सीनियर गुरु भाई हैं भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, नाम सुने अपने, बी आर श्रीधर महाराज, वो बोलते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ साउथ उल्टा है, उत्तर दक्षिण के पोल रखेंगे ना मैग्नेट के अट्रैक्ट होते हैं, और उत्तर और उत्तर रखा तो क्या होगा, दूर चले जाए। या नॉर्थ पोल साउथ पोल उत्तर और दक्षिण पोल पास में आते हैं, उत्तर और उत्तर दूर चले जाते। ऐसे भगवान तो परम महान हैं, सबसे बड़े हैं, अगर आप भी बड़े बनने का प्रयास करोगे तो भगवान से दूर भाग जाओगे। लेकिन भगवान महान है और आप लहान हैं, भगवान सबसे बड़े हैं, आप सबसे छोटे बनोगे भगवान आपको खींच लेंगे। अच्छा लगा उदाहरण आपको? तो इस दुनिया में हर व्यक्ति सोचता है मैं वीआईपी बनूं, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन,
डिवोटीज बोलते हैं मैं VIP बनना चाहता हूँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मैं सबसे तुच्छ बनना चाहता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सेवा में प्रसिद्धि हो, जैसे अभी प्रभु जी मुझे धन्यवाद देंगे, आशा है ये ना, मैंने कहा प्रभु सुबह दिया ऑलरेडी फिर से देंगे, क्योंकि वी लाइक अपने खुद के गुणगान। मैं अपनी मलिन अवस्था बता रहा हूँ पब्लिकली, जैसे कि लोग मेरे को शुद्ध बने। ये सच्चे भक्त हैं, उनका गुणगान करे तो बहुत सहन कर लेते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आता। ये एडवांसमेंट का लक्षण है। कितना हम अमान ही ना मान देना, दूसरों को मान दे रहे हैं और स्वयं मान की इच्छा नहीं कर रहे। अगर हम स्वयं मान की इच्छा कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, अभी तक हमारी भक्ति जो है वो टेम्पररी है, मतलब ऊपर से है, अंदर से नहीं। अंदर से आने के लिए बहुत टाइम लगता है। माधवेंद्रपुरी ने जब सब पंडों को बताया, सब बोले हमको ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में, और उन्होंने बोला आप ले जाओ कितना मन चाहो चंदन चले जाओ, साथ में एक एक 20 किलो चंदन भी लेके जाओ, और आपको घिसने के लिए व्यक्ति भी हम देंगे साथ में, उठाने के लिए भी, और पेपर्स भी देंगे रास्ते में, कोई टोल टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है। और माधवेंद्रपुरी ये सब स्थान लेकर पूरी से निकल पड़े वापस वृंदावन में। किसको अर्पण करना था वो चंदन? गोपाल जी को। जो कहाँ पे रहते थे गोपाल जी? गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की। आप लोग गए हैं कभी गोवर्धन परिक्रमा किया? जय। तो माधवेंद्रपुरी सब चंदन सामग्री लेकर निकल पड़े, कुछ सहायक भी थे असिस्टेंट, अभी लोड बढ़ गया था बैग में, 2 ट्रॉली बैग भी फुल हो गया था, यूनिट्स बढ़ते जा रहे थे, इतना सारा चंदन 40 किलो चंदन। तो रास्ते में फिर जब जगन्नाथपुरी से वापस आए वृंदावन की तरफ, फिर रेमुना में रुके। रेमुना में कौन सा मंदिर है? खीर चोर गोपीनाथ। और जैसे वो खीर चोर गोपीनाथ के दर्शन के लिए आए, पुजारी ने आते ही उनको 10-12 मटके खीर के दे दिए। पुजारी सोचने लगा अगर अभी नहीं दिया तो रात को फिर से उठाएंगे भगवान, उनको 12 मटके खीर लगते थे, 12 के 12 दे दिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितने लिए 12 में से? 5। भगवान बोले बस हमें 5 ही दो टोटल, हम आपस में बांट लेंगे। भक्त तो हमेशा दूसरों का भी सोचना चाहिए ना, अगर दूसरों को तकलीफ होगी तो फिर हमारे जो है मिशन सक्सेसफुल नहीं है। हर डिवोटी को दूसरे डिवोटी से इतना प्रेम दिखाना चाहिए कि उसको लगे कि यस मुझे यहाँ आना है। इवन प्रेम नहीं भी हो तो भी धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब प्रसन्न है। तो मैं कहानी आगे बता रहा था कि कैसे माधवेंद्रपुरी फिर वहाँ पर चंदन मतलब प्रसाद लिए। फिर रात को और एक स्वप्न आया उनको, बोल में क्या स्वप्न आया? तीसरा स्वप्न, हाँ ये चंदन जो है भगवान बोल रहे हैं कि मेरे में और गोपाल में गोपीनाथ में कोई अर्पण नहीं है, तो आप जो चंदन लेकर आए हो वो गोपीनाथ जी को अर्पण कर दो। और सुबह उठ के उन्होंने पुजारी को बताया तो पुजारी तो खुश हो गए, वाह ये तो विन विन सिचुएशन है, आपको भी फायदा है हमें भी फायदा है। तो उन्होंने भी अपने साथियों को भेजा और फिर वापस लौट कर आए। एक्चुअली वापस नहीं लौट कर आए, चतुर्मास के लिए वो जगन्नाथपुरी चले गए, तभी से चंदन यात्रा शुरू हुई। आखिरी दिनों में माधवेंद्रपुरी एक गीत गा रहे थे, 2 मिनट आप गाइए मैं जस्ट आता हूँ। हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण। मुझे लगा कि मैं 2 मिनट जाऊंगा तो 4-5 लोग चले जाएंगे, कोई गया नहीं बीच में,
ये लास्ट भाग गया, मेरा लास्ट प्रवचन है, और हमें ऐसे सोचना चाहिए कि लाइफ का भी लास्ट दिन है। वो कैमरा उधर फोकस, हाँ ठीक, टाइम लगता है उसको ये करने। तो माधवेंद्रपुरी आखिरी दिनों में एक श्लोक गा रहे थे। श्री माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे महान डिसाइपल थे, उसमें से एक थे अद्वैत आचार्य और एक थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी बाद में किनके गुरु बन गए? चैतन्य महाप्रभु। यहीं पर दीक्षा हुई। आप थे उस समय? यार पूरे जन्म में रहे भी होंगे। मैं देखा महाप्रभु के पास एक थोड़ा लालक घूम रहा था वो। कितना ऑस्पिशियस है गायों की आवाज़ में। शहरों में तो गाय का नामो निशान नहीं दिखता, लेकिन ये गया भी शहर जैसा ही है, छोटा सा मिनी ना टाउन है। कितना पॉपुलेशन उसका? करीब 10 लाख होगा पॉपुलेशन, 7 लाख। तब मैं बता रहा था कि ईश्वरपुरी कैसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने, इतना बड़ा आशीर्वाद कैसे मिला। उन्होंने सेवा की थी आखिरी समय, जब माधवेंद्रपुरी बहुत वृद्ध हो गए। आप जानते हैं बुढ़ापे में ऐसी स्थिति आती है कि शरीर कहीं चल नहीं सकते, तो मल मूत्र भी बिस्तर पे ही किया जाता है क्योंकि चलना मुश्किल था। ऐसे केस में ईश्वरपुरी अपने गुरुदेव की सेवा कर खुशी के साथ, ऐसा नहीं अरे मेरे को क्यों सेवा दी, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा या मैं तो लेक्चर दूंगा या मैं डिटीज को डेकोरेट करूँगा। ये गुरु की सेवा में कोई ये नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई 3 बार हरी बोल नहीं करता कि देखो इन्होंने इतनी सेवा की। लेकिन ईश्वरपुरी क्या सोच रहे थे कि मुझे मेरे गुरुदेव को प्रसन्न करना है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्रसिद्धि मिले कि नहीं मिले। तो अपने आखिरी दिनों में वो अपने गुरु महाराज को कृष्ण लीला पढ़ के सुनाते थे, और माधवेंद्रपुरी ने प्रसन्न होकर ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया, आप कृष्ण के महान भक्त बनो, एक ब्लेसिंग दी। आखिरी दिनों में माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह में कई बार बोलते थे, कृष्णा ओ कृष्णा न पाइनु मोरे, मैं कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सका। और उनके एक और शिष्य थे, वो उतने अच्छे नहीं थे, जिसका नाम था रामचंद्रपुरी। वो बोले माधवेंद्रपुरी को, आप कृष्ण कृष्ण क्या ध्यान कर रहे, ब्रह्म पर ध्यान करो, ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो माधवेंद्रपुरी बहुत गुस्से हो गए, बोले यू रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, आप दूर निकल जाओ यहाँ से, मेरे आँखों से ओझल हो जाओ। पहले मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाए, और अपने आखिरी दिनों में अगर तुम्हारे को देखूँगा, तुम्हारे देख को शरीर त्याग किया तो पता नहीं कहाँ मृत्यु कहाँ होने पर नरक में भी शायद वेटिंग लिस्ट मिलेगा ना। तो तुम्हारे जिस शरीर छोड़ते हम किसको मिलते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म निश्चय होता है। तो दोनों भक्त हैं, ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी, दोनों एक ही गुरु के डिसाइपल हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भावना का अंतर है, एक सेवा भावना में है और एक भगवान एक निंदा भावना में। बाद में रामचंद्रपुरी का पतन हो गया, वैष्णव की निंदा करने लगे। जब चैतन्य पुरी में रहते थे वहाँ पर आए और हर एक भक्त कितना खाता है नोट करते, उन्होंने एक्सेल फाइल बना रखा था, है ना, कौन सा भक्त कितना खा रहे, फिर ज़्यादा खाता उसको बोलते, मैंने सुना था महाप्रभु के डिवोटीज इसको हमें खूब ज़्यादा खाते हैं, आज मैंने देख लिया, हाँ वो दही बड़ा खा रहे थे, गुलाब जामुन और पूरी, इस तरह सबका रिकॉर्ड रखते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना खाना बंद कर दिया, कम कर दिया रामचंद्र पुरी को करने के लिए। सब डिवोटीज बोले प्रभु जी ऐसे मत करिए आप, तो बोले नहीं नहीं मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो। फिर धीरे धीरे रामचंद्र पुरी भक्तों के निंदक बन गए और भक्ति के मार्ग से गिर गए। मतलब वैष्णवों की स्तुति करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जितना निंदा करते हैं हमारा ही पतन होता है। किसी की गलती भी होगी, किसी ने चोरी की, आप सबको बताओ मालूम है उसने चोरी की, पहली बात तो उस कन्फर्म नहीं है तो बोलना नहीं, और अगर हो भी गई है तो आप बोलने से क्या फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको भी कर्मिक रिएक्शन लेना पड़ रहा है।
बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो किसी ने अच्छा जपा किया आप गुणगान करोगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, ऐसे किसी ने चोरी की आप गुणगान करोगे तो आपको भी इसका कर्म भुगतना पड़ेगा। तो भक्तों का गुणगान करना, वैष्णवों की सेवा करना, यही बस, और हरि नाम लेना। तो माधवेंद्रपुरी आखिरी दिनों में एक श्लोक गा रहे थे, किसी को मालूम है कौन सा श्लोक गा रहे थे वो आखिरी दिनों में? एक हाँ, आई दीन दयाल, प्रभु जी के ऊपर कैमरा करिए सब लोग सुने। आई वुड लाइक, नहीं मेरे को श्लोक याद नहीं है, फिर मैं अनुवाद बता दू कैमरा दो मिनट के लिए, आप ले लो हाथ में ले, हाँ थोड़ा नीचे बोलिए। बाम लोग पीछे बोलेंगे, प्रभु जी बोलेंगे पीछे। आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदा बलोक से, कदा मथुरा नाथ कदा बलोक से, इदयम तो लोक कातरम, इदम लोक तव लोक कातरम, दायति भ्राम्यति किम करोमि अहम। बोलिए अनुवाद बताइए अनुवाद। हे दीनानाथ, आप मतलब आपके विरह में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हाँ मेरा हृदय जल रहा है, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परफेक्ट। ये श्लोक कौन बोल रहा है? माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं, लेकिन ये किसकी भावनाएं हैं एक्चुअली? राधा रानी की भावना। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में बहुत दुखी होते हैं। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो गोपियाँ बहुत विरह में थे और बोले अय दीन दयाद्र नाथ है, दीननाथ, ये दीननाथ, ये शब्द बहुत अच्छे है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि मैंने सुना भगवान के एक नाम है भक्त वत्सल, तो फिर मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ कि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, मेरा तो नंबर नहीं लगा, भक्तों में नहीं आता। लेकिन फिर मैं सोचा, सुना कि भगवान दीननाथ हैं, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जब मैंने सुना कि भगवान दीनों पे दया करने वाले, तो मेरी आशा बढ़ गई। दीनेर अधिक दया कोरे भगवान, पंडित कुलीना धनी बड़ा अभिमान। हाँ बता रहे हैं कि दीनेर अधिक दया करे भगवान, भगवान दीनों पे दया करते हैं। जो पंडित है कुलीन है ये उसमें उसको अभिमान आ जाता है, लेकिन दीन दीन अगर कोई सहारा नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो अकिंचन है तो हम अकिंचन गोचर। जैसे अभी मेरे ग्लास में यहाँ पे पानी भरा है और प्रभु जी मेरे लिए समझो खीर लेके आए, है ना अंदर खीर, तो अगर मुझे खीर को टेस्ट करना है तो क्या करना होगा? ये पानी को फेंकना होगा, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमें अपने सारे भौतिक आसक्तियों को नष्ट करना है, तभी भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा, विषयों को त्यागना है। तो माधवेंद्र पुरी ये श्लोक को याद कर रहे थे, मथुरा नाथ, कृष्ण नाम में मथुरा नाथ, कदा वो लोक कस्य, कब मैं आपके दर्शन करूँगा, किम करोमि अहम, मैं क्या करूँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। तो ये श्लोक बोलते बोलते फिर चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक रेमुना में बोलने लगे। जैसे सारे मणियों में श्रेष्ठ कौन से मणि है? कौस्तुभ मणि। जैसे चंदन को घिसने से का सुगंध बढ़ता है, अभी चंदन यात्रा चल रहा है मालूम है आपको, इसलिए मैं अभी यहाँ से प्रयाग के बाद सोच रहा हूँ 4-5 दिन के लिए वृंदावन जाऊँ, क्योंकि चंदन यात्रा एक्चुअली 21 दिन के लिए होता है, ये शुरू हुआ 23 तारीख से तो चलेगा करीब 20 दिन तक, 10 तारीख तक चलेगा, 10 तारीख। लेकिन अधिकांश मंदिरों में खाली 7 दिन चंदन लगाते हैं राधा माधव को, बाद में खाली माथे पे लगाते हैं, तो 7 दिन सबसे ज़्यादा पूरा लगा, यहाँ भी लगाते हैं भगवान को थोड़ा चंदन देखा। तो माधवेंद्र पुरी जो है अपने आखिरी दिनों में श्लोक याद कर रहे थे और वो विरह प्रेम का अनुभव कर रहे थे। भक्तों की क्रियाओं को बाहर से जज नहीं किया जा सकता,
वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजाए। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे अई दीन दयाद्रनाथ बोल रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जब श्लोक बोले, आई दीन बोले बार बार, कंठे ना निसरे वाणी नेत्रे अश्रुधार। हाँ, जैसे वो आई दिन बोल रहे थे, आई दिन बोली नहीं पा रहे थे, चेतना पर फिर गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए, फिर भक्तों ने उनको उठा के ले गए। और फिर मंगल आरती का समय आ गया और पुजारी ने उनको 5 मटके खीर के दिए। महाप्रभु ने स्वयं बहुत कम खाया, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु के साथ 5 भक्त थे, नित्यानंद, जगदानंद, गोविंद, दामोदर और मुकुंद। 5 नाम कौन बताएगा? सो स्पेशल अवार्ड, नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, दामोदर। तो ये भगवान के बहुत क्लोज पार्षद रहे, जो हमेशा भगवान की लीला में सहायता करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब माधवेंद्रपुरी के बारे में बोलते बोलते भाव विवल हो गए, फिर निकले तो पुजारी ने 12 मटके खीर के दिए, महाप्रभु ने खाली 5 रखे, फिर आगे चले गए। फिर महाप्रभु बोले नित्यानंद को, नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान, बोलिए नाही कोन जन। क्या मतलब है इसका? माधवेंद्रपुरी के समान कोई भाग्यशाली नहीं। भगवान 3 बार सपनों में आए, पहले सपनों में आए और क्या बोले? मुझे बाहर निकालो, मुझे गर्मी लग रही है। दूसरी बार सपनों में आए क्या बोले? चंदन लेकर आओ। और तीसरी बार सपनों में आए क्या बोले? चंदन यहीं पर लगा सकते। 3 बार। और चौथी बार भगवान पुजारी के पास आए, बोले कि खीर निकालो। तो कितना महान लेवल है उनका, भगवान की भक्ति में प्रगतिशील भक्त हैं। 3 बार भगवान सपने में आए, 1 बार साक्षात भी आए। साक्षात कहाँ पर है? गोविंद कुंड के पास। दूध या छाछ? दूध से ही बनते हैं छाछ कभी। क्षीरम यथा दधि विकार। तो माधवेंद्रपुरी के चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब बस 5-6 मिनट बचे। राधा रमन का भी आविर्भाव दिवस आ रहे हैं ना, कभी वो भी सेम बाद ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। एक्चुअली राधा रमन ड्यूटीज बहुत स्पेशल है, क्योंकि वृंदावन में सारे गोस्वामी के पास ड्यूटीज थे। सनातन गोस्वामी के ड्यूटीज का नाम है राधा मदन मोहन, रूप गोस्वामी के ड्यूटीज का नाम है राधा गोविंद देव। एक दिन क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जो इस बार 4 तारीख को। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन कोई पुजारी आए, कोई अमीर व्यक्ति था, पुजारियों को कपड़े दे रहे थे। हाँ, आपके ड्यूटीज कौन से हैं? ये लो 10,000 का ले लो। आपके ड्यूटीज क्या हैं? 20,000 का ले लो। और फिर उस समय वो सोच रहे थे, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है। गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे, बाकी सब पुजारियों के पास अच्छे अच्छे ड्यूटीज हैं, अगर मेरे पास भी शालिग्राम शिला है, उससे अच्छा मेरे शालिग्राम शिला ही ड्यूटीज बन जाए तो कितना अच्छा होगा। इसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप नहीं किया, खाली मन में प्रार्थना की। PF ज़्यादा पावरफुल है व्हाट्सएप से भी ज़्यादा, टाइप भी नहीं करना पड़ता, खाली आप देखो मैसेज सेंट। तो वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से और रात को सो गए। अगले दिन सुबह देखा तो छोटी शिला थी, क्या नाम था वो शिला का? दामोदर। उसमें से राधा रमन प्रकट हुई, बहुत सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा। और ये लीला हुई निधि वन के पास। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सबको समाचार दिए और बाद में सबको दर्शन कराने से पहले उन्होंने परीक्षित की मदर उत्तरा को दिखाया। किसको दिखाया? नहीं, ये तो गोपाल भट्ट के समय परीक्षित की मदर नहीं थी। ये सब जो उस समय डिवोटी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबको दिखाया ये ड्यूटीज। सब बोले ये तो बहुत परफेक्ट ड्यूटी है, इसके चरण बिल्कुल मदन मोहन की तरह हैं।
उसका वक्षस्थल जो है वो गोपीनाथ की तरह और मुख जो है वो गोविंद देव की तरह, ये परफेक्ट डिटीज है। आप इसको अपने साथ सेवा के लिए रख सकते हैं। जब से गोपाल भट्ट गोस्वामी नरसिंह राधा रमन डिटीज ना उनके नाम के हो, और राधा रमन डिटीज इतने स्पेशल है। जब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को सब मंदिरों में आने से रोक रहे थे क्योंकि बहुत फ्रेंकली बोलते थे, तो यही एक मंदिर है जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत प्रिय है। तो ये छोटे डीटीज राधा रमन हो गए, इसका कितना होगा साइज, 10 इंच होगा। इसलिए बाकी सब डीटीज चले गए, मदन मोहन कहाँ चले गए वृंदावन छोड़ के, हरिबोल ध्यान देने के लिए। मदन मोहन कहाँ चले गए वृंदावन छोड़ करके, जयपुर, और जयपुर से फिर करौली चले गए क्योंकि जयपुर के जो राजा की बेटी थी उसका विवाह होना था। पिताजी ने पूछा, बेटे विवाह में क्या चाहिए? आजकल बोलेंगे कि एक कार दे दो, है ना, वो जैसे कहते हैं स्प्लेंडर तो दे दो कुछ, हमें फैमिली के साथ घूमेंगे। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा उनकी बेटी ने, वो बोले कि मेरे को मदन मोहन ही चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, और करौली में डीटीज को वहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया। तो एक्चुअली ओरिजिनल मदन मोहन करौली में है ना, और अभी उसके प्रतिभ मूर्ति यहाँ पर। तो ये मदन मोहन की कहानी, ऐसे ही रूप गोस्वामी के गोविंद देव की कहानी। तो ये सारे डीटीज राधा रमन में आ जाते हैं, जय जय राधा रमन हरि बोल। आज के दिन राधा रमन जी प्रकट हुए, आप उधर जाओगे ना आज, मतलब मैं जब ये कहा 5 तारीख को प्रकट हुए तो राधा रमन के डीटीज बहुत सुंदर। और एक बज गया नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस, वो तो यहाँ पे शायद आप 2-3 दिन कथा करेंगे ना, शायद गुरुवार को है नित्य तिथि, तो मंगलवार बुधवार गुरुवार नहीं। यस, मैं आशीर्वाद भी दूंगा और मैं क्या दूंगा, मैं प्रभुपाद से प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपका प्रवचन सुनूंगा भी ऑनलाइन पे। मैं शायद से बनारस में होऊंगा या प्रयाग, तो बस 2-3 लाइन बोलूंगा नरसिंह भगवान के बारे में। नरसिंह भगवान का अवतार की विशेषता है कि वो सारे विघ्नों को दूर करने वाले, जो भी हमारे भक्ति मार्ग में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो नरसिंह भगवान दूर करते हैं। जब भी कोई खतरा लगे तो प्रभुपाद जी बोलते हमेशा बोलना चाहिए जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। इसका मतलब क्या हुआ, जय नरसिंह श्री, जय जय नरसिंह, प्रहलाद ईश, प्रहलाद के ईश्वर हैं, मुख पद्म, उनका मुख कमल के समान है और लक्ष्मी देवी उनके प्रति आकर्षित हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह मंदिरों में जाते थे, साउथ इंडिया में मंगलगिरी जहाँ भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, वो मंदिर का नाम है अहोबिलम, वो जंगल का इलाके। एक्चुअली क्या हुआ, जब देवताओं प्रार्थना कर रहे थे भगवान प्रकट हुए और खंभे में से आए, और इतना ऊंचा हाइट था भगवान का, और सब देवता घबरा के बोले अहो बलम, मतलब ये बहुत बड़ा बल है, इस जगह का नाम हो गया अहोबिलम। और यहाँ पे नव आप गए कभी अहोबिलम प्रभु जी, वहाँ भी मैं आपको ले जाऊँगा, थोड़ा डिफिकल्ट है जाना, बहुत हाइट में है, लेकिन मैं तो गया 2-3 बार गया, सितंबर के बाद जाना चाहिए और मार्च के पहले, बाकी समय बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी होती। और हाँ, ये मंदिर जो है 9 मंदिर है ना वहाँ पर, मलोल नरसिंह और वराह नरसिंह, पवन नरसिंह, छत्रवट नरसिंह, सब नरसिंह भगवान के मंदिर हैं और सब पूजनीय है क्योंकि भगवान नरसिंह देव अलग अलग रूप में। एक तो उग्र स्तंभ है जो हिरण्यकश्यप को ने जोर से बोला था ना, प्रहलाद कहाँ पर है तुम्हारे पिताजी, क्या ये खंभे में है? हाँ यहाँ भी है, खंभे को तोड़ दिया, तो उसको बोलते उग्र स्तंभ। वो इलाका जाना डेंजरस है, वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, वो टेबल है 10 फीट के चौड़ाई का रास्ता है, और अगर आप पैर फिसल गया तो निताई गैर प्रेमानंदी, संस्कार करने कोई नहीं आएगा, अपना अपना खुद कर, तो थोड़ा सा है रिस्क है, लेकिन फिर भी भगवान की दया से तो सब कुछ संभव है। मुकम करोति वाचालम
पंगु लंगे, अंधा व्यक्ति भी तारे देख सकता है बिना बिना चश्मे के भी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। आइए हम लोग थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करेंगे। नरसिंह भगवान की एक और प्रेयर याद रखना, आप मेरे पीछे बोलो, हे भगवान नरसिंह देव, अगर आप कुछ मुझे वरदान देने ही चाहते हो तो ये वरदान दो कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहे। ये भक्त अभिलाषा होनी चाहिए कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए। 5 मिनट कीर्तन करें, भोग तो लग गया शायद। ये एक टेम्पल मुझे अच्छा लगा कि यहाँ सबके लिए प्रसाद होता है भागवतम के बाद। पहले पूना टेम्पल में कूपन सिस्टम था, लेकिन अभी वहाँ भी बंद कर दिया। मतलब कूपन है लेकिन लोगों को प्रसाद मिल जाता सब। ऐसे बहुत अच्छा आइडिया कि टेम्पल में प्रसाद हो जाने सबका, फिर घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और यहाँ भी अच्छा लगा मुझे, शाम को रोज कीर्तन होता है गौर आरती के सब। वेरी नाइस एग्जाम्पल। मैं जगदीश प्रभु से बहुत प्रेरणा ले रहा हूँ इस विजिट में, कि कैसे इतना सुंदर मैनेजमेंट भी करना और साधना भी बनाए रखना, इट्स नॉट ईजी। तो आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दो, मैं जहाँ भी जाऊँ भगवान का नाम लूँ, शुद्ध हरि नाम लूँ, मेरे सारे अनर्थ दूर हो जाएं। ठीक है, 5 मिनट कीर्तन करें ड्यूटीज को फेस करके। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जोर से बोलिए, श्रीवासादि गौर